बहुत अलग अलग एंगल से जांच हो रही है, लेकिन मैं ये पूछूंगी आपसे कर्नल सिंह कि ये बताइए कि जिस तरह से सीमा को लेकर इतनी स्पेक्यूलेशन है, अब ये पॉसिबल है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, ये पॉसिबल है कि डिपोर्ट कर दिया जाए? 3 दिन से सीमा के आसपास की जो गतिविधियां हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है इंटेरोगेशन चल रही है उस। कर्नल सिंह, जहां तक डिपोर्ट का सवाल है, औपचारिक रूप में जहां तक आप डिपोर्टेशन की बात कर रही हैं, तो औपचारिक रूप से तो पाकिस्तान ने नहीं कहा है। अब डेकॉइट्स का कहना, उसका कहना, ये तो जो इंटेलिजेंसीज का एक बड़ा अच्छा ये तरीका होता है कि किसी और से बुलवा दो, किसी और से मंदिर पे हमला करवा दो, 150 साल पुराना कराची मारी माता के मंदिर पे हमला करवा दो, तो उनके तो सब काम हो रहे हैं उस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरी अपनी राय है, ये भारत में चुनाव के पहले ये अपने CAA को लेके सरकार को एम्बैरेस करने वाली बात है। तमाम सवाल उठेंगे कि भाई हमने तो एक महिला को भेजा, वो हिंदू भी बन गई, फिर उसे आप क्यों वापस करना चाहते हैं पाकिस्तान में? दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो ये कोई छोटी मोटी ऑब्जेक्टिव लेके नहीं आई है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव लेके आई है। और इसकी 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 प्रतिक्रिया देखिए, इसकी प्रतिक्रिया जो हो रही है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल मजहबी है। और मुझे जैसा लगता है, माफ़ कीजिएगा, कि अभी जो ये सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का आसिफ मुनीर, ये तो जियाउल हक से भी ज़्यादा बड़ा फंडामेंटलिस्ट और जिहादी है। उसमें बड़े प्राइड लेते कि हाफिज़ है। अरे हाफिज़ है तो इसको इतनी बड़ी क्या बात हो गई भाई, हाफिज़ है तो मैं तो ये देखिए, ये किसके कार्यकाल के अंदर में हो रहा है? ये जियाउल हक का बाप है, ये आसिफ मुनीर जो है ये जियाउल हक का बाप है। और ये कुछ नहीं, ये अपने पूरे जो हिंदू इतिहास है उसको हमेशा के लिए नष्टाभूत करना चाहता है। वो रीजन 1 रीजन 2 आई टोल्ड यू CAA, ठीक है ना? और भी कोई लार्जर एक्टिव आपके कंट्री में? सर मैं आपसे जब बात कर रही हूँ उसी वक्त ये खबर भी आ रही है कि सीमा को काउंसिलर एक्सेस देने पर विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर बता रही हूँ, काउंसिलर एक्सेस देने पर विचार, यानी पाकिस्तान की मांग पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय को जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की मांग को विचार के लिए भेजा है। अब ये देखिए जरा, सीमा को काउंसिलर एक्सेस, अपने दर्शकों को समझा दूं काउंसिलर एक्सेस का क्या मतलब है, यानी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो काउंसुलेट है उससे सीधे सीधे सीमा की बातचीत करा दी जाए। अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के बाहर के देशों के काउंसुलेट्स होते हैं, जो आप देखते हैं एम्बसीज होती है, वहां के अधिकारियों से सीमा का संपर्क कराया जाए, ऐसी गुजारिश पाकिस्तान की तरफ से आई। अब कर्नल सिंह, ये तो एक सीधा सीधा, या तो इसे कबूलनामा कहें या फिर ये कहें कि वहां वो भी वेरीफाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान सीमा को लेकर, क्योंकि इतनी चर्चाएं हैं।